गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। जैसा कि आप सभी के साथ वादा किया था कि एचआरएम से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस मैं अपलोड करके दूंगा, तो उसमें पहली वीडियो आपको दे रहा हूं कि कार्य विश्लेषण और कार्य जो आपका विवरण होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, कार्य विश्लेषण क्या होता है। कार्य विश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्य और विश्लेषण। यदि हम कार्य विश्लेषण को जानना चाहें तो इनको अलग अलग अगर हमने समझ लिया तो कार्य विश्लेषण को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले कार्य की। तो अकॉर्डिंग टू डेल योडर एक विद्वान रहे हैं जिनके द्वारा कार्य उन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का समावेश होता है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी और उन ड्यूटीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। कार्य जो एक व्यक्ति के लिए नियत किए जाते हैं, यानी उसको दिया जाता है कि भाई आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये ड्यूटीज आपकी परफॉर्म करनी है। और एक कार्य के अंतर्गत कई उपकार्य शामिल होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अगर मोटरसाइकिल की सर्विस कराने के लिए जा रहे हैं तो सर्विस कराना कार्य हो गया, बट उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे उपकार्य भी हो जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल को धोना, मोटरसाइकिल शाइनिंग करना, मोटरसाइकिल को खोलना, और उसके अंदर जो मेंटेनेंस वगैरह होता है वो अलग अलग कार्यों में डिवाइड हो जाता है। ये कार्य बहुत सारे उपकार्यों में डिवाइड हो जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्लेषण की, तो आपने सुना होगा विश्लेषण यानी अंग्रेजी का शब्द है एनालिसिस का, गहन परीक्षण की प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य के संबंध में छोटी छोटी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उसे विश्लेषण कहते हैं। अब आप कार्य विश्लेषण को समझ जाएंगे। कार्य विश्लेषण क्या होगा, किसी कार्य या फिर एक व्यक्ति को दिए गए नियत जो कार्य हैं, उत्तरदायित्व हैं और या फिर उसकी ड्यूटी है, उनके विषय में छोटी छोटी जानकारी उपलब्ध कराना क्या होगा, कार्य विश्लेषण कहलाएगा। देखिए, अब बात कर रहे हैं हम कार्य विवरण की। तो कार्य विश्लेषण के बाद जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनका जो सारांश है, एक छोटा सा जो एक डिस्क्रिप्शन है, उसको हम कार्य विवरण यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन कहेंगे। कार्य विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं का सारांश कार्य विवरण है। इसके द्वारा क्या पता लगाया जा सकता, कार्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है और कौन कौन से तत्व एवं दशाएं हैं जो इसे प्रभावित कर सकती हैं। कार्य विवरण के अंतर्गत हम ये चीज जान लेंगे। और ये कैसे जाना हमने, कार्य विश्लेषण के द्वारा। जब कार्य का विश्लेषण किया गया, जब उस पर एनालिसिस किया गया, जब उस पर गहन जांच की गई, उसके बारे में जानने की कोशिश की गई, तो हमें कार्य विवरण यानी एक छोटा सा सारांश निकल के क्या आया कि भाई काम क्या है, उत्तरदायित्व क्या रहेगा और वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, वो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं जो इसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य विश्लेषण की कार्य विधि की, यानी इसके जो टेक्निक्स हैं उनकी। तो जो कार्य विश्लेषण की जो टेक्निक है वो आपको बता रहा हूँ। कार्य विश्लेषण आपका सबसे पहले तो सांख्यिकीय सूचनाओं के संकलन द्वारा किया जा सकता है। सांख्यिकीय यानी कि स्टैटिस्टिकल जो मैथमेटिकल जो आपका डाटा होता है उसको कलेक्ट करके हम कार्य विश्लेषण कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अवलोकन विधि, प्रवक्षणावली विधि, अभिलेख विधि और साक्षात्कार विधि इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। चलिए छोटा छोटा बता देता हूँ अवलोकन विधि क्या होती है। इस विधि के अंतर्गत कार्य विश्लेषक, विश्लेषक कौन व्यक्ति है जो विश्लेषण कर रहा है, यानी एनालिटिकल एनालिसिस जो कर रहा है, वो व्यक्ति स्वयं कार्यस्थल पर जाकर कर्मचारियों की गतिविधियों का अवलोकन करता है, उनको देखता है और कर्मचारियों से कार्य के संबंध में आवश्यक पूछताछ करता है। ठीक है, इस पूछताछ से केवल ऐसे कार्य के संबंध में ही सही एवं पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं जो कार्य सरल प्रकृति के हैं एवं जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। अतः जो कार्य तकनीकी प्रकृति के हैं और जिनकी अधिक पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसे कार्यों के संबंध में यह विधि उपयोगी नहीं है। यानी कि जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है जिन काम में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बार बार ऐसे काम नहीं होते हैं, तो उनके बारे में ये जो विधि है अवलोकन विधि सक्सेसफुल नहीं है। प्रश्नावली विधि के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चनरी मेथड। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक कार्य से संबंधित प्रश्नावली तैयार की जाती है, उससे रिगार्डिंग जो भी काम है, जो भी हमने एनालिसिस किया है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, जो भी कार्य है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे और वो जो क्वेश्चन तैयार होंगे प्रश्नावलियों का संबंधित कर्मचारियों में जो है हम उनसे वो क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कर्मचारी प्रश्नावली में अपने उत्तर
जो है कार्य विश्लेषक को लौटा देते हैं। कर्मचारियों द्वारा प्रश्नावली में दी गई सूचना के आधार पर कार्य विश्लेषक को कार्य संबंधी विश्लेषण करने में आसानी हो जाती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, आपको फीडबैक देनी होती है, 10-5 क्वेश्चन उसमें रहते हैं और फीडबैक पर आपसे राय ले ली जाती है कि हमारा जो काम है या हमारा जो जो आपको सर्विस दी गई है वो अच्छी लगी या नहीं लगी। तो ये प्रश्नावली मेथड हो गया। अभिलेख विधि, जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंटेशन का काम आएगा। इस विधि के अंतर्गत सेबी वर्गीय यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो ये मेथड यूज करते हैं। अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक कार्य के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस विधि के द्वारा केवल कार्य के प्रारंभ और समाप्ति का समय, कार्य से संबंधित क्रियाएं, उपक्रियाएं, कार्य के लिए संबंधित कर्मचारियों की संख्या, उनको दी जाने वाली सुविधाएं आदि के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यानी काम जब शुरू किया तब हम जो है इसको कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट हम जारी कर सकते हैं, वही इसे भर के दीजिए। काम को समापन के समय पर हम एक डॉक्यूमेंट जारी कर सकते हैं, वो हमें भर के देना होगा। ठीक, अतः यह विधि भी पूर्ण नहीं है क्योंकि इससे कर्मचारी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध, कर्मचारियों को कार्य करने के संबंध में आने वाला कठिनाई और असुविधाएं, यंत्रों और मशीनों के प्रयोग के संबंध में आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाती है। यानी कि इसमें बीच में कुछ हो नहीं रहा, शुरू में करा लिया, लास्ट में करा लिया। लास्ट में आती है साक्षात्कार विधि, जिसे आप इंटरव्यू मेथड कहते हैं। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, इसके अंतर्गत कार्य विश्लेषक कार्य से संबंधित विभिन्न कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों को साक्षात्कार के माध्यम से अनेक प्रश्न पूछकर कार्य से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करता है। जैसे कर्मचारी अपनी क्रियाएं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का किस प्रकार से निर्वहन करते हैं, उनको अपने कार्य से संबंध में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनको अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को भली प्रकार पूरा करने के लिए किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है, यानी उनसे सारा इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आपको क्या परेशानी है, क्या कठिनाइयां आ रही हैं, या फिर आपको जो हमने सुविधाएं दे रखी हैं उनका आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन विधि में कार्य विश्लेषक से कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और यह आवश्यक नहीं है कि सूचनाएं पूर्ण रूप से सत्य ही हों। यह विधि भी अधिक विश्वसनीय नहीं है, लेकिन यह विधि प्रश्नावली विधि से अच्छी मानी जाती है। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा कार्य होता है वो रहेगा बी नंबर पर, कार्य विवरण संबंधी प्रपत्र। तो कार्य विवरण संबंधी प्रपत्र कौन से हैं, जैसे कार्य का परिचय जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया कार्य का सारांश, उप कार्यों का सारांश, संगठनात्मक संबंध, अन्य कार्यों से संबंध, आवश्यक मशीनों एवं यंत्रों की सूची, एक लिस्ट बना के दे दी जाएगी भाई कितनी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीन चाहिए, आवश्यक मशीनों एवं यंत्रों की सूची, कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं, कार्यकारी दशाएं और कार्य विश्लेषक की टिप्पणी। तीसरे नंबर पर आता है कार्य विशिष्टता विवरण की तैयारी, यानी कि स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट। स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या आएगा, कार्य विशिष्टता विवरण से आशय किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक विशेषताओं से संबंधित संक्षिप्त विवरण से है। यह कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता को क्रमबद्ध करता है और किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए किस प्रकार के श्रम की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताता है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसी कार्य को संपादित करने के लिए कर्मचारी के अपेक्षित गुणों को माप रूप में प्रस्तुत करता है। कार्य विशिष्टता विवरण कर्मचारी कोई अनिवार्य एवं अपेक्षित योग्यताओं का प्रमाप निर्धारित करता है। ठीक है जी। ज्यादा इसके बारे में और बात करते हैं, जैसे प्रतिवेदन तैयार करना है जिसमें रिपोर्टिंग तैयार की जाती है। रिपोर्ट तैयार करने में क्या आएगा, जब हम कार्य विशिष्टता विवरण तैयार कर देते हैं तो उसके बाद कार्य विश्लेषक जो है प्रतिवेदन तैयार करता है। इसके लिए कार्य विश्लेषक को पहले प्रतिवेदन की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करनी होती है और उसके बाद में जो मैनेजर होता है उससे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने के बाद वो अपना जो है एक संशोधित प्रतिवेदन तैयार करता है। ठीक। नंबर 5 पर आता है उच्च प्रबंध एवं श्रम संघ से अनुमोदन कराना। जब कार्य विश्लेषक को प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने के बाद वो उच्च प्रबंध श्रम संघ के प्रतिनिधियों से अनुमोदित करा लेना लेता है कि भाई आपके द्वारा ये काम होने हैं, आपको कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि संघ से मिलकर के जब कार्य किया जाता है तो उसमें एचआरएम का बेस्ट यूज होता है और बेस्ट यूज जब होगा तो हम वो जो कर्मचारी होंगे वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था आपके लिए कार्य विश्लेषण और कार्य विवरण का। तैयारी अच्छे से कीजिए और बने रहिए कॉमर्स की दुनिया के साथ।
मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहे कॉमर्स की दुनिया।